बात करेंगे इबादते रमजान में, और ये है इस वक्त इबादते रमजान का किचन, और पकोड़े बन रहे हैं क्योंकि शेफ आयशा ने सब मैटर रेडी कर दिया है। ऑयल बहुत हीट अप हो गया था, हमने कहा थोड़ा सा इसको, क्योंकि स्मोक किचन में ज्यादा हो गई थी। अब मैं बताती हूँ, इन्होंने ये मैटर तो है रेडी कर दिए, ठीक है, थोड़ा सा और नीचे से थोड़ा सा है, थोड़ा रखना है ड्राई जैसे नहीं होता, तो इसको हम आहिस्ता आहिस्ता पानी दीजिएगा। अच्छा जी, मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा थोड़ा सा आयशा मैं आपकी हेल्प करूंगी, है ना, ठीक है ना, थोड़ी सी हेल्प यूं है क्योंकि इनको ड्रिंक भी बनाना है, रह ना जाए। आप ड्रिंक बताएं क्या क्या डलेगा ड्रिंक में, वो बताइए। ड्रिंक में डलेगा जीरा पाउडर, ओके, और इसके अलावा डलेगा सॉल्ट, ओहो, और इसके अलावा डलेगा ब्लैक सॉल्ट, ओके, बाय टेस्ट सब डालना है, ठीक है, और डलेगी कैस्टर शुगर, ओके गुड, ठीक है, हाँ ले, ये ले लीजिए यहाँ से, उठा लीजिए ये वाली। अच्छा जी नाज़रीन, ये देखिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा और किया है, और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से, और मैटर को जरा सा, क्योंकि हाथों की बात ही कुछ और होती है जब बंदा हाथों से काम करता है, ऑफकोर्स स्पून का काम नहीं होता कभी कभी, ये मैंने मैटर बिल्कुल यूं कर दी, और देखिएगा जरा भी जो है ना वो वैसे नर्म नहीं, क्रिंच क्रिंची पकौड़े खाएगा आप सभी के हाथों के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और अब देखिएगा इन पकोड़ों की कंडीशन, ये देखिए नाज़रीन, ये मैंने बनाना शुरू कर दिया, और ये देखिए। अच्छा जी, मैं ये पूछूंगी हकीम साहब, ये बताइए कि रमजान में हम लोगों को क्या क्या अफतारी में चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, दस्तरखान पे क्या क्या स्पेशल चीजें रेगुलर लगनी चाहिए। अफतार जो है वो सेहतमंद होना चाहिए, सेहतमंद अफतार का एहतमाम किया जाए, ठीक है, ओके, और इसी तरह जौ का दलिया, ओके, उसमें बादाम, पिस्ता, अखरोट, काजू, नारियल, किशमिश ये डालें, ठीक, और दूध दही का इस्तेमाल, दही की पतली लस्सी, नमकीन लस्सी हो, और इसी तरह अगर पकौड़े खाने हैं तो उसकी मकदार कम इस्तेमाल की जाए, और दही के और दही में पकौड़े डाल दिए जाए, ओके, तो वो ज्यादा मौसर रहेंगे। यानी कि दही फुल्किया, जी हाँ दही फुल्किया इंशाल्लाह कल बनाते हैं, ठीक है, तो ये रखें, फलों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा रखें, ये इस रमजान में जो लोग काले चनों और लोबिया, ओके, इसका इस्तेमाल करते हैं, ये मुकम्मल गजाइत है इसमें, ठीक, तो अच्छा जी, ये तेज मिर्च मसालों से, खटाई या चार चट्टी से जो ये कम से कम इस्तेमाल करें, ताकि ये सेहतमंद अफ्तार जो है जो मैंने बताया आपको जी जी, ये मुकम्मल गजाइत आपकी है, और इससे पूरी तवानाई बॉडी को मिलती है, ओके। अच्छा कुछ लोग जो होते हैं ना वो सफेद चनों का बहुत चना चाट बनाते हैं, क्या कहते हैं, मेरे ख्याल चना चाट जो है वो सफेद से ज्यादा बेहतरीन चना जो है वो काला है, काबली चना, वो ज्यादा फायदेमंद है, वो ज्यादा फायदेमंद है, ओके। लोबिया काले हों, सुर्ख हों, सफेद लोबिया, ये इसके ये भी बहुत अच्छे ताकतवर हैं, इसके अंदर पूरी गजाइत मौजूद है, और इसी तरह आप मकई, मकई के जो है वो बॉईल करके चिकन डालें, सूप बना लें मकई का, ओके, जिसे कॉर्न सूप कहते हैं जी, वो भी बेहतर है, बच्चों के लिए बहुत तवानाई उसमें रहती है। सब्जियां ज्यादा से ज्यादा, सलाद का इस्तेमाल ज्यादा रखें, गाजर, बंद गोभी, पुदीना, टमाटर, खीरा, ये ऐसी, लेकिन लोग नहीं करते ना, लोग बहुत कम करते हैं इन चीजों का इस्तेमाल, जी हाँ मैंने देखा है, वो लोग ज्यादातर कहते हैं कि ऐसी चीजें जो उनको जबान के टेस्ट के मुताबिक हो, उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू को नहीं देखते, जी हाँ जी हाँ जी हाँ, क्या कहते हैं आप, ऐसा है कि नहीं, ये चीजें जो जायका तलाश करते हैं वो सेहत से हाथ गंवा बैठते हैं, ये बात भी सही है, बीमारियां पाल लेते हैं, बीमारियां पाल लेते हैं, जायके से ज्यादा उसकी तवानाई देखनी चाहिए कि हमारी जिस्म में जरूरत कितनी चीजों की है जी। बस लोग सब्जियों को इस तरह पकाते हैं और भुनाई कर देते हैं कि उसकी असल न्यूट्रिशन खत्म हो जाती है जी, और ये पहचान नहीं रहती कि ये कौन सी सब्जी है, सब्जी सही कह रही है, कौन सी सब्जी है, कौन सी सब्जी है, बल्कि सब्जी जो है वो तो भाप में ही जो है वो गल स्टीम पर, बिल्कुल ठीक है, स्टीम पर, और उसकी गजाइत कायम रहती है। हम देखते हैं कि कुछ अब चाइनीज वेजिटेबल जो डिशेज बनती हैं जी,
इसी तरह हमारी जो है और भी डिशेज है जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती है जिनमें उसकी शक्ल सूरत और राइत कायम रहती है और बेहतरीन गजाइत उसमें मौजूद रहती है जी। रमजान में चिकनाई का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए ओके। और पराठे निहारी या हलवा पूरी वगैरह जो है वो इन चीज़ों से बिल्कुल परहेज करना चाहिए और ऐसी गजाएँ इस्तेमाल जो मैंने बताई हैं ये तमाम गजाइत से भरपूर तवानाई से भरपूर सेहतमंद अफ्तार और सेहतमंद सहरी का एहतमाम जो है वो आपकी मुकम्मल इस महीने में पूरी तरीके से आपको ना सिर्फ सेहतमंद करेगा बल्कि आपके अंदर छुपी बीमारियों से भी आपको निजात मिल जाएगी और आपकी शख्सियत की तकमील होगी जिस्मानी जहनी रूहानी और मजहबी हवाले से आपके अंदर बहुत बड़ी तब्दीली पैदा होती है क्योंकि हमारे ये रमज़ान जो है ये हमारे जिस्म का एंटी वायरस है। जिस्म से वायरस ना सिर्फ ख़त्म कर देता है बल्कि आपके जो वो आदात जिससे आपकी शख्सियत जो है मस्त होकर रह जाती है उन आदात से छुटकारा मिल जाता है और आपके अंदर ऐसी तब्दीलियां आ जाती हैं कि जिसके जिससे आप महसूस करेंगे कि आप हर रमज़ान में जो अपनी लोग जो अपनी इस्लाह करते हैं और जिस्म की इस्लाह करते हैं नफ्सियात की इस्लाह होती है रूहानी इस्लाह होती है तो यूँ एक मुकम्मल शख्सियत जो है वो इस्लाह शुदा शख्सियत जो है निखर के सामने आ जाती है बेशक। अच्छा जी वहाज के पास जाती हूँ मैं वहाज से कुछ पूछती हूँ। वहाज आप ये बताएं कि आपका दिल करता है कि आप बचपन में आपने अभी किसी को रोजा खोलते देखा है बच्चों को रोजा अभी देखा आपने खुश आए घर में आप घर में सबसे छोटे हैं अरे बाप रे सबसे छोटे भी हो और सबसे बड़े भी हो जी। नाजिन ये मैंने अभी ये देखे पकोड़े बनाए कुछ कह रहे हो आवाज मैं अकेला हूँ अल्लाह। अच्छा जी नाजिन ये देखे पकोड़े बिल्कुल बन गए वो चटनी यहाँ पे रखना गुड़िया और ये अभी बाकी ये मैं मिर्चों को बाउल में ऑफ कोर्स इसके ऊपर मटर को यूं करके रख दिया है और क्योंकि अभी इसमें पहले तीन हो जाएं फिर तीन अब आयशा जो है इसको कंटिन्यू करेंगी किचन को। मैं जा रही हूँ अपनी सीट पर और उसके बाद चिल वाटर इनके पास आएगा और ये करेंगी उसके अंदर ठंडा ठंडा पानी तो यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद इबादतें रमजान के साथ।